नमस्कार, आप देख रहे हैं नजर टुडे। मैं हूं आपके साथ अंकित दुबे। शेयर बाजार के बिग बुल यानी राकेश झुंझुनवाला का आज रविवार को 62 साल की उम्र में निधन हो गया। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ने सुबह 6:45 पर झुंझुनवाला की मौत की पुष्टि कर दी। 7 अगस्त को वो अकाशा एयर की लॉन्चिंग के दौरान मुंबई एयरपोर्ट पर व्हील चेयर पर नजर आए थे। इस एयरलाइन में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। झुंझुनवाला का कई कंपनियों में निवेश है। फोर्ब्स की दुनिया के अमीरों की लिस्ट में उनकी 440वीं रैंक है। उनकी नेटवर्थ 5.8 अरब डॉलर यानी करीबन 46,000 करोड़ रुपए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या झुंझुनवाला के चले जाने से एयरलाइंस को मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा? आगे उनके एम्पायर को कौन संभालेगा? तो चलिए इन सवालों के जवाब जानते हैं। राकेश झुंझुनवाला को भारत के वॉरेन बफे के रूप में जाना जाता है। वो देश के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं। राकेश ने 1985 में 5,000 रुपये के साथ निवेश करना शुरू किया। उस समय BSE इंडेक्स 150 पर था। उन्होंने 2003 में पत्नी रेखा के कहने पर अपनी खुद की स्टॉक ट्रेडिंग फर्म रेयर इंटरप्राइजेज की स्थापना की थी। इसके नाम में उन्होंने अपनी और अपनी पत्नी रेखा के नाम के पहले दो अक्षरों पर रखा है। उन्होंने राकेश से RA, रेखा से RE को शामिल किया था। राकेश सही निर्णय संभावित मल्टीबैगर में निवेश और जरूरत के अनुसार पोर्टफोलियो में बदलाव करते रहे, जिसने उन्हें शेयर मार्केट का बिग बुल बना दिया। एक्सचेंजों पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार जून क्वार्टर में राकेश झुंझुनवाला के पास 32 कंपनियां शेयर हैं। इन 32 कंपनियों में अनंत राज, टाटा मोटर्स, टाइटन फेडरल बैंक, नजारा, स्टार हेल्थ जैसी कंपनियां शामिल हैं। झुंझुनवाला एक समय में स्टॉक मार्केट में बियर थे यानी मंदड़िए। उन्होंने 1992 में हर्षद मेहता घोटाले का खुलासा होने पर शॉर्ट सेलिंग के जरिए बड़ा मुनाफा कमाया था। 1990 के दशक में भारतीय स्टॉक मार्केट में कई प्रतिष्ठित कार्टेल थे। ऐसा ही एक कार्टेल मनु मानेक का था, जो बियर कार्टेल था। इस कार्टेल को ब्लैक कोबरा कहते हैं और इसे राधा किशन दमाड़ी और झुंझुनवाला भी फॉलो करते थे। पत्रकार सुचेता दलाल ने हर्षद मेहता के घोटाले का खुलासा किया था, जिसके बाद मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गया था। अकाशा एयरलाइन में राकेश झुंझुनवाला ने $35 मिलियन यानी करीबन 278 करोड़ रुपए का निवेश किया है। उनकी इस एयरलाइन में करीबन 40% हिस्सेदारी है। वो एयरलाइन के बिजनेस में ऐसे समय में उतरे जब फ्यूल प्राइस काफ़ी हाई और कई कंपनियां परेशानियों से जूझ रही हैं। हालांकि अकाशा एयर के लॉन्चिंग पर उन्होंने कहा था, बहुत से लोगों के मन में सवाल है। उनके सवाल का जवाब देने के बजाय मैं सिर्फ कहूंगा कि मैं फेल होने के लिए तैयार हूं। कोशिश नहीं करने के बजाय प्रयास करने के बाद नाकाम होना बेहतर है। आपको बता दें, एक एक्टिव इन्वेस्टर होने के अलावा झुंझुनवाला एपटेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन थे। प्राइम फोकस लिमिटेड, जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज, बिल केयर लिमिटेड, प्रोज इंडस्ट्रियल लिमिटेड, प्रोवोज इंडिया लिमिटेड, कॉनकार्ड बायोटेक लिमिटेड, इनवांसित टेक्नोलॉजी लिमिटेड, मिड डे मल्टीमीडिया लिमिटेड, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, वायसराय होटल लिमिटेड और टॉप सिक्योरिटी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल थे। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में राकेश झुंझुनवाला ने कहा था कि उनके पिता उनके पहले रोल मॉडल थे। उनका दूसरा रोल मॉडल हाउस ऑफ टाटा थी। वहीं अनुभवी निवेशक और डीमार्ट के फाउंडर राधाकृष्ण दमानी को भी वो अपना रोल मॉडल मानते थे। अब सवाल ये उठता है कि उनके बिजनेस को कौन संभालेगा? राकेश झुंझुनवाला अपने पीछे एक बड़ा साम्राज्य छोड़ गए हैं। उनके परिवार में पत्नी रेखा झुंझुनवाला, बेटी निष्ठा झुंझुनवाला, बेटे आर्यमान और आर्यवीर झुंझुनवाला हैं। राकेश झुंझुनवाला की कुल नेटवर्थ करीब 46,000 करोड़ रुपये हैं। आकाश एयर में झुंझुनवाला और उनकी पत्नी की कुल हिस्सेदारी 40% से ज़्यादा है। स्टार हेल्थ एलाइड इंश्योरेंस में वो भी प्रमोटर हैं। जून क्वार्टर में इसमें उनकी हिस्सेदारी करीब 17.46% थी। ऐसे में अब उनकी पत्नी पर इस साम्राज्य को संभालने की पूरी जिम्मेदारी आ गई है। वो अपने बच्चों के साथ मिलकर अब इसे संभालेंगी। झुंझुनवाला के चले जाने से उनके एयरलाइन और अन्य बिजनेस को अब बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें, 2013 में झुंझुनवाला ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से मालाबार हिल से
रिजवे अपार्टमेंट की 12 यूनिट में से 6 को 176 करोड़ रुपए में खरीदा था। बाद में उन्होंने HSBC बैंक से 195 करोड़ रुपए में इमारत में अन्य 6 अपार्टमेंट खरीदे। उन्होंने 2021 में पुरानी बिल्डिंग को गिराकर अपने नए 70,000 वर्ग फीट में 13 मंजिलों घर का निर्माण शुरू किया था। इस बीच उनकी मौत हो गई। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए नज़र टुडे।